बेला लेक हरिपुर हजारा द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ पाकिस्तान, मैं हूं अहमद नवाज खान। मौजूद नाज़रीन, आज हम आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत झील तरबेला झील की सैर करवाने लाए हैं। ये झील तरबेला डैम की एक्सटेंशन है और ये झील जब बनी थी तो इसके अंदर 84 जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वो इसके अंदर आए थे और उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा था। ये एशिया की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है, तो इसके हम आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ भी दिखाएंगे, इसकी हम सैर भी कराएंगे। इससे पहले ये बताता चलूं कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो बटग्राम, मनसेरा, सवाबी और हरिपुर और एक आध इलाका मुझे भूलता है, एक या दो इलाके वहाँ से उसके साथ जाके मिलती हैं। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप खूब इंजॉय कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तरबेला लेक हरिपुर हजारा द लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको आज डिफरेंट जगहों के, आपको हरिपुर के करीब जो इलाके हैं वहाँ से आपको व्यूज़ दिखाऊंगा। हर व्यू एक से बढ़ के एक है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि पहाड़ों पे लेके चलूं, भीड़ वाली साइड से आपको इसके व्यू भी दिखाऊंगा और जहाँ जहाँ मुझे अच्छे व्यूज़ लगे वो आपको दिखाऊंगा। फिशिंग भी दिखाऊंगा, बोटिंग भी दिखाऊंगा, यहाँ पे लोगों का लाइफ स्टाइल भी दिखाऊंगा। चलिए, बेटा थोड़ी डरी हुई है और ये मान लिया था और हम बोटिंग कर रहे हैं। I will.
तरबेला झील के किनारे आपको इस तरह के लोकल फूड्स मिलेंगे। जी तो नाज़रीन, अभी मैं आपको एक एडवेंचर दिखाने लेके जा रहा हूँ। मैं आपको पहाड़ों पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ से मैं आपको झील का व्यू भी दिखाता हूँ और वहाँ पे जो झील के किनारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलें वीडियो को मेरे साथ एंजॉय कीजिए। हरिपुर से भीड़ वाली साइड पर जाते हुए 10 किलोमीटर के बाद एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत पार्क बना हुआ है झील के किनारे। इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये पहाड़ों पर है, पहाड़ों के अपना जो व्यूज़ होते हैं और खूबसूरती होती है, और साथ ही ये तरबेला झील है, बिल्कुल झील का पानी ये जो पार्क है इसको टच कर रहा है। क्योंकि अभी अगस्त का महीना है तो ये पानी जो है 15 अगस्त तक जो है ना ये फुल हो जाता है। वैसे ये जहाँ जहाँ तक ये आपको नज़र आ रहा है पानी, ये अप्रैल मई में यहाँ पे आया था, अफ्तार की थी मैंने बच्चों के साथ, कहाँ पर की थी, वहाँ पर वो जो छत नज़र आ रहा है वहाँ पर, तो ये सारे खेत थे। ये जो सामने पानी नज़र आ रहा है ये सारे खेत थे, पानी उतर जाता है। गर्मियों में जो ग्लेशियर पिघलते हैं ये दरिया सिंध का पानी है, और ये जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसकी वजह से पानी की सतह जो है ना बुलंद होना शुरू हो जाती है। तो अभी अगस्त 2021 है, अगस्त में ये पीक पे होता है और उसके बाद ये फिर उतरना शुरू हो जाएगा। सर्दियों में ये पानी कम हो जाता है और गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये देखें पानी है, ये सामने सारा पानी है। Yeah.
आज अभी 5-6 आने लगे। अच्छा, पानी के अंदर। और कौन सी मछली होती है यहाँ पे? यहाँ पे रोहू, अच्छा, और गुलफाम, सिल्वर वगैरह भी है, लेकिन वो कांटे पे नहीं है। भाई कितनी मछली पकड़ ली है? 2-3 पकड़ी। अच्छा, अच्छे बड़े दाने हैं? नहीं, बस 1 किलो का 2 आता है। ओके, जेड़ा पहाड़ नजर आ रहे थे, तक कितने पैसे? 500 रुपए। उठे खड़ना और आना। अभी चलें घर ना जाएं, यहीं पे ठीक है। मौजिज़ नाज़रीन, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और ये व्लॉग देखा। आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और मेरे चैनल मिरर ऑफ पाकिस्तान पे जो लोग नए आए हैं, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो ऑल वाला ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कर लें, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो वेरी मच।